नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जुडिशियल करेंट अफेयर, दैट इज़ द लीगल करेंट अफेयर, जो है स्टैटिक पार्ट और उसका जो डायनेमिक पार्ट है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं उनको कवर करेंगे, इस इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डिसाई स्कीम के बारे में। डिसाई स्कीम का फुल फॉर्म है डिज़ाइनिंग द इनोवेशन सोल्यूशन फॉर द होलिस्टिक एक्सेस टू द जस्टिस। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 5 5 साल के पीरियड के लिए, फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2021 टू 2026। इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, इसका काम क्या है। इसका काम है कि पैन इंडिया लेवल पर हमें जो जस्टिस है उसको पहुंचाना है। ठीक है, और ये सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स है, यानी कि जो सिटीजन्स की जो नीड है उनको बीच में रख के, उनको ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। और इसके अंतर्गत कई सारी स्कीम्स आती हैं, जैसे टेली लॉ हो गई, न्याय बंधु हो गई, न्याय मित्र हो गई, और लीगल लिटरेसी अवेयरनेस। तो ये सारी स्कीम किसके अंतर्गत आएंगी, दिशा स्कीम के अंतर्गत। ठीक, टेली लॉ सर्विसेज क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐप्स हैं, इंटरनेट है, इसका हेल्प लेना है जो भी जस्टिस है उसके डिसेमिनेशन में। ठीक है, यानी कि जो टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन है इसका क्या करना है, इसकी हमें हेल्प लेना है। तो यहाँ से ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ द न्याय बंधु स्कीम। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगी क्या, लीगल असिस्टेंस और काउंसलिंग टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। नेक्स्ट इज़ द न्याय मित्र प्रोग्राम। ये क्या है, ये फैसिलिटेट करेगा रिडक्शन ऑफ जो भी पेंडिंग केसेस हैं। न्याय मित्र प्रोग्राम क्या करेगा, जो भी पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट केसेस में उनको क्या करेगा, उनके रिडक्शन में हेल्प करेगा। देन द सेकेंड इज़ द लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम ये क्या करेगा, लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। एंड द लास्ट वन इज़ द इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये भी क्या करेगा, ये भी दिशा के अंतर्गत है। ठीक है, टेली लॉ क्या है, टेली लॉ मैंने बताया क्या कि ये क्या करेगा कि डिजिटली, ये क्या है, एक डिजिटल प्रोग्राम है जो कि क्या करेगा, लीगल सर्विस को प्रोवाइड करेगा। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और ये पार्टनरशिप करेगा किसके साथ, मीटी के साथ, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, और ये क्या है, ये कॉमन सर्विस सेंटर है। तो ये पता होना चाहिए क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर है, ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक, अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस कंप्राइजेज ऑफ द 3 डिपार्टमेंट। जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है इसके अंतर्गत 3 डिपार्टमेंट बेसिकली आते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, द फर्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ द लीगल अफेयर्स इज असाइंड टू द लीगल फंक्शन। ठीक है, तो पहला क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ द लीगल अफेयर इज असाइंड द लीगल फंक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है। कौन कौन से फंक्शन ये काम करता है, जैसे ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंटरप्रेट करना है, किसी लॉ के बारे में इंटरप्रेट करना है, कोई भी लिटिगेशन है, लीगल प्रोफेशन है, ठीक है, किसी भी लॉ का रिफॉर्म करना है, कोई ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, फॉरेन कंट्री के साथ कोई भी मैटर हुआ है, सिविल लॉ, लीगल लॉ, ये जो सारे इंडियन लीगल सर्विसेज में जितने भी लॉज हैं इनको सबको कौन हैंडल करता है, डिपार्टमेंट ऑफ द लीगल अफेयर्स। ठीक, ये हैंडल करता है। द सेकेंड वन इज़ दी लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। ये क्या काम करता है, ये काम करता है ड्राफ्टिंग की। ठीक है, ड्राफ्टिंग दी प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, ये जो भी लीगल लेजिस्लेशन है उसकी क्या करता है, ड्राफ्टिंग करता है। द थर्ड इज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये क्या करता है, ये अपॉइंटमेंट करता है, रिमूवल करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस का। कहने का मतलब क्या है कि द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जो जस्टिस है उसके अंतर्गत 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ द लीगल अफेयर्स एंड द सेकेंड वन इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, एंड द सेकेंड इज़ थर्ड इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। फिर बात करते हैं लॉ कमीशन के बारे में। ठीक है, तो लॉ कमीशन की बात की जाए तो लॉ कमीशन जो इंडिया में है वो बेसिकली नीदर दी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट दी स्टेचुटरी बॉडी, यानी कि जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है वो, लॉ कमीशन जो है वो ना ही लीगल बॉडी है ना ही स्टेचुटरी बॉडी है। आपको पता है कि कोई बॉडी है वो 2 3 तरह की हो सकती है, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या है कि संविधान ने उसको जगह दे के रखी है, यानी कि संविधान में एक प्रावधान बनाया गया है, कोई नियम है उसके अंतर्गत, कोई आर्टिकल दिया गया है। स्टेचुटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट की बैकिंग मिली है, यानी कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है उसके द्वारा बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है कि उसको एग्जीक्यूशन से बनाया गया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है, वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग दी एग्जीक्यूटिव। ठीक, अब हम बात करें नेक्स्ट, तो ये क्या है बेसिकली, ये मैंने बात किया कि ये लॉ जो कमीशन है वो क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से। ठीक है,
और इट इज़ द मेजर फंक्शन इज़ टू द लीगल रिफॉर्म। इसका जो भी काम है, जो भी लॉ कमीशन का काम क्या है, लीगल रिफॉर्म करना, ये लॉ कमीशन का काम है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट, जो लॉ कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए, और उसका काम क्या होता है, एडवाइजरी बॉडी है बेसिकली। लॉ कमीशन कैसी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। और इसके जो भी मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो भी लीगल एक्सपर्ट होते हैं वही इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, ठीक है। और जो लॉ कमीशन है वो रेफरेंस देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, या फिर स्यू मोटो अंडरटेक करता है रिसर्च इन द लॉ एंड रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ, मेकिंग द रिफॉर्म्स एंड इनएक्टिंग द न्यू लेजिस्लेशन। यानी कि जो लॉ कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, कोई ना कोई बेसिकली एडवाइस दे सकता है, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मांगे तो एडवाइस दे सकता है। जो भी लॉ पहले से हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉ जो पहले से हैं उनको देख सकता है, या किसी नए लॉ के बारे में रिसर्च कर सकता है, ठीक है, या कोई लॉ में जो रिफॉर्म करना है वो कर सकता है, या कोई नया लॉ इनेक्ट करना है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इट कम्स अंडर द परव्यू और अंडर द डोमेन ऑफ द लॉ कमीशन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, इट ऑल्सो अंडरटेक द स्टडीज रिसर्च, ठीक, ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स टू द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। यानी कि जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है अगर उसमें रिफॉर्म करना है तो वो भी कौन करता है, लॉ कमीशन करता है, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द डिले इन द प्रोसीजर, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेज, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द लिटिगेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये सारी चीज़ें लॉ कमीशन करता है। लॉ कमीशन को जो निर्माण किया गया था वो 1955 में किया गया था, ठीक है, और उसको रिकन्स्टिट्यूट किया जाता है हर 3 साल में। यानी कि हर 3 साल में हम लोग क्या करते हैं, लॉ कमीशन का निर्माण करते हैं, ठीक। फर्स्ट जो लॉ कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1834 में अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ द 1833 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द लॉर्ड मैकॉले, ठीक। और फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया जो था वो 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके चेयरमैन कौन थे, एम सी सेटलवार्ड, ये आपको पता होगा, ठीक। फिर हम बात करते हैं, द नेक्स्ट इज हम बात करेंगे डिजिटल कोर्ट के बारे में। डिजिटल कोर्ट आपको पता है कि बेसिकली जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो डिजिटली रूप में चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर बात की जाए इसी को, हम चाहो तो आप बोल सकते हैं ई कोर्ट का प्रावधान, ठीक है। आपको पता है कि ई कोर्ट का प्रावधान भी आया था, और गुजरात जो था वो पहला स्टेट बना था जो ई कोर्ट का प्रावधान लेके आया था, और उसके लिए एक पोर्टल आया था, दैट द नेम ऑफ द पोर्टल वॉज सुपेस पोर्टल, समथिंग लाइक दैट। सुपेस पोर्टल जो था ऐसा कुछ था, वो बेसिकली डिजिटली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल सकें, ये कहीं ना कहीं उसके लिए था। तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आगे, तो ठीक एक और स्कीम बतानी चाहिए, दैट इज़ द ई उद्भावन, ई उद भावम, ये एक इनिशिएटिव है, एक पोर्टल है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी नोटरी की सर्विसेज हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, तो उन सारी चीज़ों को क्या करेगा, डिजिटलाइज करेगा। एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, दैट इज़ NESL, ठीक है। नोटरी की सर्विसेज क्या होती है, जैसे जो नोटरी के काम्स होते हैं सारे, ठीक है, नोटरी आपको पता होगा, ठीक है, तो जो भी रजिस्ट्री और या फिर इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएंगी, इट विल कम्स अंडर द ई उद्भवम पोर्टल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक और चीज़ यहाँ से पता होना चाहिए आपको, जैसे अगर 2014 में क्या हुआ था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई थी 2014 में, 2014 में 2014 में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है। बट हुआ क्या कि बेसिकली नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया था ताकि पार्लियामेंट जो कोर्ट जजेस हैं, कोर्ट के जजेस हैं, उनको क्या कर सके, अपॉइंट कर सके, नॉमिनेट कर सके। बट क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट था, इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट था उसने इसको क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, और पार्लियामेंट इसको लेके आई थी बाय द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। तो यहाँ से आपको ये पता रहना चाहिए कि NJAC जो है उसको, वो उसको पार्लियामेंट लेके आई थी बाय द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, जो भी
जो भी जो जुडिशियल की ऑफिसेज की जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये उनके इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काम करती है। इसको प्रपोज किया था किसने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, सेंट्रल एजेंसी है विद ईच स्टेट हैविंग इट्स ओन स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी। यानी कि हर स्टेट में क्या होती है, हर स्टेट में एक स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी होती है, ठीक है। उसको उन सारी चीज़ को रेगुलेट करेगी और उन सारी की देख रेख कौन करेगा, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होगा, इसका काम जो बजट से रिलेटेड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, या जो सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, ये सारी चीज़ें कौन करेगा, ये करेगा प्लेस्ड अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये अंडर होगी अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ से एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अब बात करें थोड़ी सी, और यहाँ पर नेशनल जो लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो 1995 में इसको बनाया गया था, एंड लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो था वो 1987 का था, ये पता होना चाहिए। और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसका जो एम क्या है, इसका एम है कि प्रोवाइड द फ्री लीगल सर्विसेज टू द एलिजिबल कैंडिडेट एंड ऑर्गेनाइज द लोक अदालत फॉर द स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ द केसेस। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका जो निर्माण किया गया था 1995 में किया गया था, और ये क्या है, बेसिकली लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत ये चीज़ आती है। और इसका एम क्या है, लीगल सर्विस प्रोवाइड करना हर किसी को, और उसके बाद लोक अदालत का निर्माण करना और स्पीडी रेजोल्यूशन करना केसेस का। फिर बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर द जस्टिस डिलीवरी एंड द लीगल रिफॉर्म। इसका सेटअप किया गया था 2011 में, ठीक है ना, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज एक्सेस टू द रिड्यूसिंग द डिले इन दी ड्यूज इन द सिस्टम। यानी कि जो सिस्टम में जो डिलेज हो रही है केसेस की रिड्रेसल की, उसको क्या किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए और इन्हेंस किया जाए अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, थ्रू दी स्ट्रक्चरल चेंज बाय सेटिंग अप ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड दी कैपेसिटी। यानी कि हमें क्या करना है, हमें जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो करने पड़े, ताकि जो भी लूपहोल्स हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या दूर किया जा सके और हम अकाउंटेबिलिटी को क्या कर सकें, इंश्योर कर सकें। फिर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सबॉर्डिनेट कोर्ट। ये बेसिकली क्या है, ठीक है, ये बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सिंस 1993-1994, ठीक। और इसमें क्या है, बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है कोर्ट बिल्डिंग्स का, जो भी उनके जो भी रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस हैं, उन सारी चीज़ों का इसमें देख रेख होगा, ठीक है। तो ये आपसे इतना आपको पता होना चाहिए बस। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम न्यायालय स्कीम। ग्राम न्यायालय स्कीम क्या है, ये भी एक सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम है, ठीक है, स्टेट के लिए। इस्टेब्लिश्ड द ग्राम न्यायालय, ये क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, एक बार हो गया एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ग्राम न्यायालय स्कीम, ठीक, यहाँ से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करें कि जो ग्राम न्यायालय है बेसिकली, तो ग्राम न्यायालय जो है वो बेसिकली काम क्या है, किस एक्ट के अंतर्गत स्टेब्लिश किए गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्राम न्यायालय जो है वो उनको स्टेब्लिश किया गया था अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008, ठीक। फिर उसके बाद बात करेंगे कि जो ग्राम न्यायालय का जो इस्टेब्लिशमेंट है, क्या काम करता है, ये क्या करता है कि हर पंचायत को इस्टेब्लिश एट दी इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द ग्रुप कंटिन्यूस पंचायत। यानी कि जो ग्राम न्यायालय है उसका जो इस्टेब्लिशमेंट होगा वो पंचायत लेवल पर किया जाएगा, ठीक है। और ग्राम न्यायालय जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं जस्ट एज द कोर्ट्स। तो बेसिकली क्या है, जुडिशियल कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो जो ग्राम न्यायालय हैं वो क्या है, कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास उनको माना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ग्राम न्यायालय जो होते हैं वो प्रिसाइडेड ओवर द न्यायाधिकारी टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। यानी कि जो ग्राम न्यायालय में कौन बैठता है, न्यायाधिकारी बैठता है, जिसको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राम न्यायालय का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो क्या होता है। तो ग्राम न्यायालय जो है, इसके जुरिस्डिक्शन की अगर बात किया जाए, तो ग्राम न्यायालय का जो जुरिस्डिक्शन है वो दोनों जगह होता है, क्रिमिनल और सिविल केसेस, दोनों तरह के केसेस में ग्राम न्यायालय का जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है, अंडर द शेड्यूल एक्ट। और इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस एज द मोबाइल कोर्ट विद इन द जुरिस्डिक्शन एरिया। ये मोबाइल कोर्ट की तरह काम करती है, ठीक है। मोबाइल कोर्ट का मतलब क्या होता है, जो कोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जा सके उसको क्या कहते हैं, मोबाइल कोर्ट, ठीक। ग्राम न्यायालय फॉलो करती है समरी प्रोसीजर को इन द क्रिमिनल
ट्रायल। समरी प्रोसीजर क्या होता है, जो भी तुरंत न्याय दे दिया जाए उसको बोलते हैं समरी प्रोसीजर, ठीक है। इसी तरह एक और वर्ड होता है समरी जस्टिस। समरी जस्टिस का मतलब भी क्या होता है, ऐसा जस्टिस जो तुरंत दे दिया जाए, वो क्या है, समरी जस्टिस, ठीक। तो ये क्या है, ग्राम न्यायालय आर नॉट टू बाउंड बाई द रूल्स ऑफ द एविडेंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। तो ग्राम न्यायालय जो एक्ट है, ग्राम न्यायालय जो है बेसिकली ये इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 के अंतर्गत बाउंड नहीं होते हैं। और इसको जो चलते हैं ग्राम न्यायालय, इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, ये पता होना चाहिए आपको। फिर अपील्स इन द क्रिमिनल केसेस शैल लाइज इन दी कोर्ट ऑफ सेशन एंड अपील्स इन द सिविल केसेस शैल लाइज टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के बेसिकली कोर्ट होते हैं, एक होता है सेशन कोर्ट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो बेसिकली जो क्रिमिनल केसेस हैं वो जाएंगे सेशन कोर्ट में, और जो सिविल टाइप ऑफ केसेस होते हैं, जैसे कोई घरेलू कोई मसला हो गया, ठीक है, तो इस तरह के जो केसेस हैं वो कहाँ पर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये आपको पता रहना चाहिए। फिर ई कोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, बेसिकली ये इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर द इम्प्लीमेंटेशन सिंस 2007, और ये कंसेप्चुलाइज किया गया था ICT, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंडियन जुडिशरी की बात बात किया गया है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड करना डेजिग्नेट सर्विसेज टू द लिटिगेंट्स लॉयर्स एंड जुडिशरी बाय द यूनिवर्सल कंप्यूटराइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द कंट्री। कहने का मतलब क्या है, जो ई कोर्ट्स हैं, ये ई कोर्ट्स क्या करेंगे, ये ई कोर्ट्स जो भी जजेस हैं, लिटिगेंट्स हैं, ठीक है, जुडिशरी है, इन सबको क्या करेगी, या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इन सबको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी थ्रू ई पोर्टल, यानी कि ई माध्यम से उसको क्या करेगी, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये प्रोवाइड करेगी इफ़िशियंट और टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज डिलीवरी, ठीक है, यानी कि इफ़िशियंट और टाइम बाउंड टाइम से डिलीवरी को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और उसके बाद तो ये क्या करेगी, डेवलप करेगी, इंस्टॉल करेगी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन द कोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्या करेगी, जो भी ट्रांसपेरेंसी है, एसेसिबिलिटी है ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसको स्टेक होल्डर तक प्रोवाइड कराएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, जब ई कोर्ट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी क्वांटिटेटिवली और क्वालिटिवली। और जो भी जो जस्टिस डिलीवरी का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और कॉस्ट इफेक्टिव और प्रिडिक्टेबल, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट बन पाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो है ये मॉनिटर्ड एंड फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये पता होना चाहिए कि इट इज़ फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक। ई फाइलिंग पोर्टल जो है वो दोनों केसेस में आएगा, सिविल और क्रिमिनल केस में, दोनों में आएगा, ठीक है। और कैन बी फाइल्ड बिफोर दी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अडॉप्टेड द ई फाइलिंग सिस्टम पेपरलेस मैनर। मैंने आपको बताया जैसे अभी कि दो तरह के कोर्ट होंगे, एक होगा हमारा सेशन कोर्ट, एक होगा हमारा सेशन कोर्ट्स जो होगा। और उसके बाद सेशन कोर्ट्स में क्या होगा, जो भी क्रिमिनल केसेस होंगे वो किस में आएंगे, जो क्रिमिनल केसेस होंगे वो सेशन कोर्ट में आएंगे, बाकी जो दूसरे केसेस होंगे नॉर्मल केसेस वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएंगे। फिर बात करते हैं इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं अंडर द ई कोर्ट प्रोजेक्ट, जैसे ई फाइलिंग पोर्टल है, वैन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जजमेंट ऑर्डर सर्च है, केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर है, ई सेवक केंद्र। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत हैं, ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। फिर बात करते हैं नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये डेटाबेस है, जितने भी जो केसेस हैं, ऑर्डर्स हैं, उन सबका क्या करेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा, सारे डेटा को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा इन द रियल टाइम बेसिस, ठीक है। एंड ये कनेक्टेड होगा किससे, डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट से करेगा, होगा कनेक्टेड होगा। और सारी जो भी प्रोसेस होगा, उन सारी प्रोसेस को क्या करेगा, कंप्यूटराइज कर देगा, ठीक है, जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों की, ठीक है। और जितना भी डेटा होगा, कौन कौन से मैटर का, सिविल और क्रिमिनल मैटर का, वो सारा अवेलेबल कहाँ पे होगा, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं AI पोर्टल सुपेस। सुपेस की मैंने ऊपर अभी बात की थी, ठीक है, कि सुपेस जो है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, ई कोर्ट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया गया था सुपेस को। सुपेट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर दी असिस्टेंस इन दी कोर्ट एफिशिएंसी एंड इट इज़ बेस्ड ऑन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली क्या है, इट इज़ दी AI स्कीम, सो दिस यू शुड नोट फ्रॉम हेयर, ठीक है। इसका काम क्या है, ये बेसिकली क्या करेगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ टूल विच कलेक्ट्स द रिलेवेंट फैक्ट एंड द लॉ एंड मेक्स देम अवेलेबल टू द जज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितना भी जो डेटा है, देखिए क्या होता है कि कभी कभी
जो जो जज है, ठीक है, तो जज सारे जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, उन तक उनकी एक्सेस नहीं हो पाती, ठीक है, तो सारे फैक्ट्स जो भी हैं वो पहुंच जाए उसके उन तक, ठीक है, बाय द प्रोसीडिंग्स, तो उसका जो उसकी जो कन्फॉर्मिटी है वो इंश्योर करेगा क्या स्पेस पोर्टल, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट डिजाइंड टू टेक द डिसीजंस, ठीक है, ये सिर्फ सिर्फ क्या है, ये एक प्रोसेस है जो कि क्या करेगी, फैक्ट को प्रोवाइड करेगी टू मेक देम अवेलेबल टू द जज, ठीक है, और एंड जज विल टेक द डिसीजन, जो जज है वो डिसीजंस लेगा बाई जस्ट सिंपली सीइंग द एविडेंस विच आर प्रोवाइडेड बाई द स्पेस पोर्टल, ठीक है। फिर बात करते हैं बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है दोनों को क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है, ठीक है, और इनिशियली इसका जो यूज़ किया गया था एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, जो बॉम्बे के जजेस हैं और दिल्ली के जो जजेस हैं उन्होंने यूज़ किया था टू डील विद द क्रिमिनल मैटर, तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, ठीक, तो ये क्या है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द लीगल अफेयर्स इन एसोसिएशन विद द नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर। ये क्या है, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, जो क्या करेगी, लीगल डेटा को प्रोवाइड कराएगी एट वन सिंगल पॉइंट, स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसीजर ऑफ द लिटिगेशन मैटर, यानी कि जितना भी जो भी डेटा है उसको स्ट्रीमलाइन कर देगी और उसको एक जगह प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, फॉर द लिटिगेशन मैटर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इज़ द फैमिली कोर्ट, ठीक है, आपको पता होगा कि फैमिली कोर्ट भी होता है, तो फैमिली कोर्ट क्या है, फैमिली कोर्ट जो है बेसिकली इट कम्स अंडर दी फैमिली कोड एक्ट ऑफ द 1984 एंड इट इज़ इनैक्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड अंडर द फैमिली कोर्ट, ठीक, ये बेसिकली क्या है, फैमिली कोर्ट जो है इट इज़ इस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी सिटी और द टाउन विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग ऑफ द 1 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स नियर अबाउट लाइक इक्वल टू 10 लाख, ठीक, फैमिली कोर्ट्स आर इस्टैब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, ओके, तो मतलब जो भी हाई कोर्ट है रिस्पेक्टिव उससे कंसल्ट करके फैमिली कोर्ट का इस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, एंड ये क्या है, फैमिली कोर्ट द एक्ट गिव्स द पावर टू ईच हाई कोर्ट टू मेक रूल्स फॉर द प्रोसीजर फॉलोइड बाय द फैमिली कोर्ट, यानी कि जो भी फैमिली कोर्ट के में जो भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी तो उसके लिए बेसिकली जो एक्ट है, विच एक्ट, द फैमिली कोड एक्ट ऑफ 1984, दिस विल प्रोवाइड द पावर टू द हाई कोर्ट्स टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द फैमिली कोर्ट, तो जो हाई कोर्ट है दे विल इट विल टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द फैमिली कोर्ट, ठीक। फिर बात करते हैं, ये बेसिकली इट्स ज्यूरिडिक्शन रिगार्ड टू द मैटर्स स्पेसिफाइड इज एक्सक्लूसिव, नीदर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नॉर द सबॉर्डिनेट सिविल कोर्ट और द मजिस्ट्रेट कैन हैव द ज्यूरिडिक्शन ऑन दीज मैटर्स, तो बेसिकली जो भी ज्यूरिडिक्शन होगा ऑफ द फैमिली कोर्ट वो क्या होगा, इट विल बी ऑफ द एक्सक्लूसिव नेचर, ठीक है, और कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट का कोई भी मजिस्ट्रेट होगा, इट दे विल नॉट हैव द ज्यूरिडिक्शन ओवर द मैटर्स ऑफ द फैमिली कोर्ट्स, ठीक है, तो फैमिली कोर्ट का जो भी ज्यूरिडिक्शन होगा इट विल बी ऑफ एक्सक्लूसिव नेचर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द अमेंडमेंट बिल ऑफ द फैमिली कोड 2022, सो बेसिकली अमेंडमेंट हुआ था फैमिली कोड एक्ट ऑफ द 1984, ओके, एंड इट एस्टैब्लिश द फैमिली कोड इन द हिमाचल प्रदेश एंड द नागालैंड, सो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में क्या किया था, फैमिली कोड का फॉर्मेशन किया गया था, ठीक, एंड इट सीक्स टू द रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेट ऑल द सेक्शंस टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश एंड द नागालैंड, सो बेसिकली इसने क्या किया था, जो भी जो रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडिटी दी थी सारे एक्शंस को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडिटी, द मीनिंग ऑफ द रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडिटी मीन्स कि जो लॉ आज इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आज है 2023, ठीक है, तो हमने कह दिया कि भैया 2021 से लॉ तो हमने आज इंप्लीमेंट किया है लेकिन 2021 से जितने केसेस हैं वो सारे केसेस भी इसके अंतर्गत आएंगे, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द रेट्रोस्पेक्शन, ठीक है, तो यहाँ से हमने यह बात की, ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना बात करेंगे, दिस वीडियो वॉज रिगार्डिंग द जुडिशियल सर्विसेज, उसके स्टैटिक पार्ट को लेकर हमने बनाई थी, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और टॉपिक बारे में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ ऐसे बने रहें, पढ़ते रहें, जय हिंद जय भारत।